सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम अर्पन, मैं TRD का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और इसी के साथ मैं एक लाइन में अपना पहला शेर मतलब एटीट्यूड भरे अंदाज में शुरू करना चाहूँगा कि ना आस है तेरी और ना ही तेरे लबों की प्यास है, कि ना आस है तेरी और ना ही तेरे लबों की प्यास है, चल जा बेवफा कोई और मेरे लिए खास है। कि इसे शायरी ना समझना, मैं अपने दिल के जज्बात लेकर आया हूँ। कि इसे शायरी ना समझना, मैं अपने दिल के जज्बात लेकर आया हूँ, और उस बेवफा की बेवफाई सुनाने आज मैं इस बारात आया हूँ। कि इसे शायरी ना समझना, मैं अपने दिल के जज्बात लाया हूँ, और उस बेवफा की बेवफाई सुनाने आज मैं इस बारात आया हूँ। और कुछ रह गई थी अधूरी बातें उससे, कि कुछ रह गई थी अधूरी बातें जो पूरी करने में वो बात आया हूँ। इसे शायरी ना समझना, मैं अपने दिल के जज्बात लाया हूँ। और सुनिएगा कि प्यार मोहब्बत में लोग सपने बहुत दिखाते हैं, तो सपने बहुत सपने दिखाते हैं, तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है कि ये वफा के सपने मत दिखाओ, कि ये वफा के सपने मत दिखाओ, मोहब्बत में अक्सर सपने टूट जाते हैं, और ये रूह की चाहत रखने वाले सच्चे आशिक, और ये रूह की चाहत रखने वाले सच्चे आशिक अक्सर इस खेल में पीछे छूट जाते हैं। और सुनिएगा, और ये इश्क मोहब्बत में बहुत सपने दिखाते हैं लोग, कि और ये इश्क मोहब्बत में बहुत सपने दिखाते हैं लोग, लोग खुद को मम्मी और दूसरों को अपने बच्चों का बाप भी बनाते हैं लोग, और जब बात हकीकत की आती है तो भूल जाते हैं लोग, और ये इश्क मोहब्बत में कितना सितम ढाते हैं लोग, सपनों में तो अपने और हकीकत में किसी और के हो जाते हैं लोग। और एक सुनिएगा कि क्या होता है कि जब नया नया रिलेशन होता है, रिलेशनशिप में आते हैं किसी के, तो उससे यही पूछते हैं हम कि क्या आपकी लाइफ में पहले भी कोई था, तो उसका जवाब आता है यही कि नहीं, यू आर माई फर्स्ट लव। तो भले कोई हो, लेकिन लोग यही कहते हैं नहीं, आप मेरा मतलब पहले हो मेरी लाइफ में। तो उसके ऊपर लिखा था कि मेरी मोहब्बत का भी एक अलग फसाना था, कि मेरी मोहब्बत का भी एक अलग फसाना था, चाहत तो थी वो मेरी पर उसका दीवाना ये सारा जमाना था, और कयामत तो उस दिन आ गई यारो, कि और कयामत तो उस दिन आ गई यारो, जब पता चला कि मुझसे पहले भी कोई उसका यार पुराना था। कि और कयामत तो उस दिन आ गई यारो, जब पता चला कि मुझसे पहले भी कोई उसका यार पुराना था, कि मुझसे पहले भी उसने कईयों से इश्क फरमाया था, कि मुझसे पहले भी उसने कईयों से इश्क फरमाया था, और पूछे जाने पर उसने मुझे अपना पहला प्यार बताया था, यूं तो उसकी असलियत उसके अपनों ने बयां कर दी, बस कमबख्त ये दिल ही नहीं समझ पाया था। कि यूं तो उसकी असलियत उसके अपनों ने बयां कर दी, बस कमबख्त ये दिल ही नहीं समझ पाया था, और रातों रात को बिजी रहती थी वो, कि रात रात भर बिजी रहती थी वो, और पूछे जाने पर उसने कंपनी का कॉल बताया था, यूं तो उसकी असलियत उसके अपनों ने बयां कर दी, बस कमबख्त ये दिल ही नहीं समझ पाया था। और दो लाइन मैं दोस्त के ऊपर बोलना चाहूँगा कि क्या होता है कि हर किसी के लाइफ में दोस्त मतलब होते हैं, मतलब मेरी लाइफ में कैसा दोस्त है, मतलब जो भाई से भी बढ़कर है, कि जो भाई मतलब एक अपना भाई उसके लिए नहीं कर सकता है, अपने लिए जो एक दोस्त कर जाता है। तो उसके ऊपर दो लाइन मैं बोलना चाहूँगा कि ऐ मेरे दोस्त तू दोस्त नहीं तू मेरा भाई है, कि ऐ मेरे दोस्त तू दोस्त नहीं तू मेरा भाई है, तूने ना जाने मेरे लिए की कितनी लड़ाई है, यूँ तो बाजारे महफिल में बहुत मिले दोस्त, कि यूँ तो बाजारे महफिल में बहुत मिले दोस्त, लेकिन किसी ने तेरे जैसी दोस्ती नहीं निभाई है, ऐ दोस्त तू दोस्त नहीं तू मेरा भाई है। और इसी के साथ मैं दो लाइन मतलब क्या होता है जब दिल टूट जाता तो लोग दिल से ले लेते हैं, तो या तो कुछ बड़ा कर जाते हैं या लोग मर जाते हैं। तो उसी के ऊपर सुनिएगा दो लाइन कि मेरा पैशन इंडियन आर्मी था, तो उसी के ऊपर मैंने बोला है कि इस बाजारे इश्क में मरने से बेहतर मैं मर जाऊँ इस वतन के लिए, कि इस बाजारे इश्क में मरने से बेहतर मैं मर जाऊँ इस वतन के लिए, ऐ बाबा तू भी साथ दे दे मेरा एक बार, मैं भी कुछ कर जाऊँ इस वतन के लिए, मैं भी कुछ कर जाऊँ इस वतन के लिए। और सुनिएगा कि एक मैंने TRD को देखते हुए मतलब एक भैया थे जिन्होंने बोला था कि सोनम गुप्ता ही नहीं तू भी बेवफा है, तो इसी के ऊपर मैंने ध्यान रखते हुए कुछ लिखा है कि सोनम गुप्ता की तरह बेवफाई के कुछ तुझ पे भी इल्ज़ाम होंगे, कि सोनम गुप्ता की तरह बेवफाई के कुछ तुझ पे भी इल्ज़ाम होंगे, उसका नाम तो नोटों पे लिखा था, तेरे नाम के तो पोस्टर भी सरेआम होंगे। धन्यवाद।